भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मोदी सरकार 3.0 के बजट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मोदी सरकार 3.0 का 24-25 का पहला बहुआयामी बजट समावेशी है और सबके फायदे के लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी हैट्रिक मोदी सरकार का वर्ष 2024-25 का 48.21 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने देश के लोकसभा में दिनांक 23 जुलाई 2024 को पेश किया था। इस बजट को पेश करने के बाद श्रीमती निर्मला सीतारमन लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई। वर्ष 2024-25 का बजट संतुलित व सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है। बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार की नीतिगत निरंतर सुधार का संकल्प और नए अवसरों के सृजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी विकास की धाराएं मोदी सरकार 3.0 में भी देश की समृद्धि और विकसित भारत के सृजन में निरंतर बहती रहेंगी। आम बजट 2024-25 आगे आने वाले 5 वर्षों की झलक देने के साथ साथ वर्तमान चुनौतियों से निपटने की राह भी दिखाता है। किसी बड़ी आकर्षक व चर्चा का विषय बनाने वाली घोषणाओं के बिना बजट ने आर्थिक प्रगति और खुशहाली के 9 आधार भी बताए और उस पर चलने की राह भी दिखाई है। नई पीढ़ी के लिए नए अवसरों को तैयार करने के साथ ही कृषि और किसानों के लिए प्रतिबद्धता और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण के कदम एक सशक्त समर्थ और संभावनाओं वाले भारत को तैयार करने में समर्थ साबित होंगे। ये बजट राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत है। यह बजट देश के उन पूर्वी क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिलाने का भरोसा दिलाता है जो लंबे समय से सहारे और समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उक्त मौके पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगा एवं उसे सशक्त बनाएगा और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बजट का बड़ा फोकस किसान है। यह बजट किसानों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा और विकास को नई ऊंचाई व समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में उत्प्रेरक साबित होगा और विकसित भारत की नींव भी रखेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ युवाओं, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और मध्यम वर्ग पर फोकस किया गया है। रोजगार से जुड़ी प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना से करोड़ों नए रोजगार एवं स्वरोजगार सृजित होंगे। युवाओं को पहले नौकरी की पहली सैलरी अब सरकार देगी। कौशल विकास हो या फिर उच्च शिक्षा में मदद या फिर 1 करोड़ नौजवानों को प्रोत्साहन की योजनाएं, इससे गांव के गरीब युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा और इससे उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे हर शहर और हर गांव में उद्यमी बन सकेंगे। बिना गारंटी मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया जिससे छोटे कारोबारी महिलाएं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों को काफी लाभ मिलेगा। यह बजट MSME और छोटे व्यापारियों के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है, इससे विकास को नई गति मिलेगी। यह बजट उन 25 करोड़ लोगों को और सशक्त बनाने वाला है
जो अभी गरीबी रेखा से ऊपर निकलकर मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। यह बजट युवा पीढ़ी के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराएगा तथा मध्यम वर्ग को पहले की तुलना में ज्यादा सशक्त बनाएगा। यह बजट शिक्षा व कौशल विकास को नया आयाम प्रदान करेगा। बजट में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत योजनाएं पेश की गई हैं। यह बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बजट का बड़ा फोकस किसान है। खाद्यान्न भंडारण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनाने के बाद भारत सरकार ने अब सब्जी उत्पादन क्लस्टर शुरू किए हैं, जिससे किसानों को और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना समय की मांग है और इसीलिए दलहन व तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों को मदद करने के लिए कई उपाय की घोषणा की गई है। यह बजट किसानों को समृद्धि के मार्ग पर ले जाएगा। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में राहत देने का काम किया है और टैक्स स्लैब में संशोधन तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। बजट की पूर्वोदय विजन से देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। राजमार्ग और जल परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति दी जाएगी। बजट में 3 करोड़ घरों के निर्माण के साथ साथ जनजात उन्नयन ग्राम अभियान चलाने का भी प्रबंध किया गया है। एंजल टैक्स खत्म करने से स्टार्टअप को बल मिलेगा। बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि के पथ पर ले जाने वाला है। 2 लाख करोड़ के रोजगार व कौशल विकास पैकेज से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसे शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को पूर्व की योजनाओं को जारी रखते हुए कुछ नई सौगातों की घोषणा भी की गई है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,70,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.9% पर सीमित करने की बात कही है। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। बिहार में राजगढ़ और नालंदा के व्यापक विकास और उड़ीसा के पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। हमारे पास ऐसे सभी जरूरी संसाधन हैं जिससे हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार ने ऐसे 9 क्षेत्रों की पहचान की है जो आने वाले समय में भारत को विकासशील देश से विकसित देशों के कतार में खड़ा करेंगे। उन क्षेत्रों में कृषि, कौशल विकास, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, नवाचार, शोध एवं विकास, ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक सुधार शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद।